प्यारे बच्चों, आज समझ लीजिए कि आपके डिसीजन का आखिरी दिन है। आज है 27 मई। 27 मई के बाद 28, 29, 30 और 31, कुल मिला जुला के आपके पास 4 दिन का मौका है। अगर आप इन 4 दिनों में यूपी बोर्ड कंपार्टमेंट का फॉर्म नहीं भर पाए तो ये मान लीजिए कि आप अगले साल पढ़ने के लिए डिसीजन ले चुके हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि कल भरेंगे, परसों भरेंगे, अभी तो 4 दिन है, फॉर्म भरें कि ना भरें, अगर आप भ्रम में रहते हैं, कन्फ्यूजन में रहते हैं, तो ये मान के चलिए कि आप जीवन भर कन्फ्यूजन में ही रहेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक विषय में फेल छात्रों को पास होने का अगर मौका दिया है तो वो बहुत ही सोच समझ करके दिया है। और अगर आप इस मौके का फ़ायदा नहीं ले पाएंगे तो ये मान के चलिए कि आपने अपने सामने बहुत बड़ा मौका गंवाया है, और पूरे जीवन ऐसे ऐसे मौके आप गंवाते रहेंगे। प्यारे बच्चों, मैं ये समझता हूँ कि आप ये सोच के घबरा रहे होंगे कि फॉर्म भरवाने में बड़ी परेशानी है, स्कूल के लोग नहीं सुन रहे हैं, बैंक में जाने पर बैंक वाले नहीं फॉर्म भर रहे हैं, जनसेवा केंद्र से भी नहीं भरा रहा है, पोस्ट ऑफिस भी जाना पड़ेगा। ये 3-4 बातें सुनकर के आप घबराते हैं, तो घबराइए मत। देखिए, टोटल आपके पास जो दिनों की संख्या है मित्र, कुल आपके पास सिर्फ 4 दिन और शेष हैं। कंपार्टमेंट पेपर का आवेदन करने के लिए सिर्फ 4 दिन बचे हैं आपके पास। अब इन 4 दिनों में आप 40 बार सोचें चाहे 4 बार सोचें, ये आपके ऊपर है। मैं तो कहूँगा आपके पास आखिरी मौका है, आखिरी मौके का फ़ायदा उठाइए। आपको अगर लगता है कि आप के स्कूल वाले या आपके आसपास जो बैंक हैं वहाँ से आपका काम नहीं हो पाएगा, तो डरिए मत, आप सीधे मेरे से संपर्क कीजिए, मैं आपका फॉर्म भरवा दूँगा, आपको कहीं आना जाना नहीं पड़ेगा अगर इसी साल पास होना है तो। बाकी बातें भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखो बेटा, अगर आप गणित विषय में फेल हैं, गणित विषय में फेल हैं, तो पूरी गारंटी मैं लेकर के पढ़ा रहा हूँ कि भाई पास हो जाएंगे आप हर हाल में। और अगर आपने फॉर्म भर दिया है, तैयारी नहीं कर पा रहे हो सही से, तैयारी में प्रॉब्लम आ रही है, तो तैयारी में भी अब प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपकी तैयारी के लिए हमारे पास पहले से रिकॉर्डेड वीडियोज है और डेली फेस टू फेस वीडियो कॉल पर मैं पढ़ाता भी हूँ। तो अगर आपको लगता है कि गणित में आप अकेले नहीं पढ़ के पास हो सकते हैं, किसी अध्यापक के, किसी ट्रेनर की ज़रूरत आपको है, तो आप निसंकोच मेरे से कांटेक्ट कीजिए। मैं अपना फ़ोन नंबर बता देता हूँ, ये मेरा फ़ोन नंबर है, फ़ोन करेंगे तो रिसीव होगा और कभी नहीं रिसीव होगा। जब नहीं रिसीव होता है इसका मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ, जब रिसीव होता है इसका मतलब मैं क्लास नहीं ले रहा हूँ। अगर आपने इस पर व्हाट्सएप पर लिख दिया कि सर मुझे कंपार्टमेंट वाला बैच लेना है, तो ज़रूर आगे पीछे रिप्लाई होगा, आप रिप्लाई के हिसाब से अपना बैच ज्वाइन कर सकते हैं, पेमेंट भी कर सकते हैं। मात्र मैंने 500 रुपये फीस रखा है, जब तक कंपार्टमेंट एग्जाम हो करके ख़त्म नहीं हो जाएगा, चाहे जून में होए, चाहे जुलाई में होए, कभी भी होए, तब तक की फीस 500 है। और चाहे जितना देर से आप ज्वाइन करेंगे 500 ही फीस लगेगी। जैसे मान लो कि कंपार्टमेंट एग्ज़ाम 10 दिन बाद है और आज आपने फ़ोन किया सर मुझे बैच आपका लेना है, मुझे वीडियो इम्पोर्टेंट दे दीजिए, 96 वीडियो दे दीजिए, तभी भी 500 ही फीस लगेगा। अगर 4 दिन बाद एग्ज़ाम है, 4 दिन पहले आप हमसे बैच ज्वाइन करोगे या इम्पोर्टेंट वीडियो मांगोगे या किसी तरह का PDF मांगोगे, तभी भी आपको 500 ही देना है। एग्ज़ाम से 1 दिन पहले अगर आप संपर्क करेंगे, कहेंगे कुछ ऐसा बता दीजिए जो एग्ज़ाम में आ जाए, या कुछ ऐसी वीडियो दे दीजिए देख के मैं पास हो जाऊँ, तो उस वक्त भी फीस यही लगेगा, क्योंकि ये फीस आपकी परीक्षा पास कराने के लिए, आपको ट्रेन करने के लिए ली जा रही है। तो आप 1 दिन में पास हों चाहे हमारे साथ 2 महीना पढ़ के पास हों, फीस वही लगेगी। जैसे कि आप दुकान पे जाते हो किताब खरीदने, कोई किताब परीक्षा से 6 महीना पहले खरीदोगे तभी भी उतने में ही देगा दुकान वाला, और वही दुकान पे जाओ परीक्षा से 10 दिन पहले खरीदो तो दुकान वाला तभी भी उसी मूल्य पे देगा। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम से 4 दिन पहले किताब फ्री हो जाती है, नहीं हो जाती है। तो उसी तरीके से अगर हमने कोई कोर्स बनाया है, कोई वीडियो बनाया है, तो आपको उतने में ही मिलेगा, चाहे आप एग्ज़ाम से 4 दिन पहले खरीदो चाहे 40 दिन पहले लो। बात समझ में आ गई। और चौथा पॉइंट है
वे बदनसीब हैं, वे बच्चे बदनसीब हैं जो एक विषय में फेल होने के बाद, जानकारी होने के बाद भी कंपार्टमेंट का फॉर्म नहीं भर रहे हैं, चाहे किसी भी विषय में फेल हो, भौतिक में, रसायन में, अंग्रेजी में या किसी अन्य विषय में, भूगोल में, इतिहास में। ठीक है, तो भाई बदनसीबी का कारण भी कौन है? वो आप ही हैं, दूसरा कोई नहीं है। ठीक है, तो कुल मिला जुला करके जो वार्निंग था कि भाई अभी फॉर्म भरने के लिए 31 मई तक लास्ट डेट है, 4 दिन का मौका है, 4 दिन में आप 40 बार सोचिए लेकिन फॉर्म जरूर भरिए, किसी भी विषय के हों। ठीक है, गणित विषय के हों तो जरूर भरिए, आपकी तैयारी है मेरी जिम्मेदारी, आपको पास कराना मेरे ऊपर छोड़िए, बस आप मुझे समय दीजिए, मैं आपको नॉलेज दूंगा। ठीक है, बाकी बातें बहुत सारी हैं, वो अगली वीडियो में हम कर लेंगे, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।